आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ मैं अपने सबसे फेवरेट स्नैक्स जो कि है पानी पूरी। तो यहाँ मैंने एक कप सूजी लिया था, वो सूजी लिया है जिससे आप उपमा या हलवा बनाते हैं, मोटी वाली सूजी। और मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के अराउंड मैदा लिया है। और यहाँ पे मैं हॉट वाटर ले रही हूँ। हॉट वाटर मतलब आपका खौलता हुआ पानी, एकदम पूरा गर्म होना चाहिए वो पानी लेंगे। और चम्मच की मदद से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैंने पानी लिया था। और जब ये मिक्स हो जाएगा, जब डॉ लगाने लगूंगी, तो मैं 2 टेबल स्पून और ली थी पानी, ताकि ये सॉफ्ट सा सुंदर सा अच्छा सा डॉ बन जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म पानी था। तो गर्म पानी में मैं डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकती, हाथ जल सकता है। आप इसको ठंडे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ना पड़ेगा डो को। और अगर गर्म पानी से करते हैं तो ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी में सूजी आपकी फूल जाती है। तो अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से डो लगा रही हूँ। अगर ये देखिए, मेरी डो तैयार हो गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो इसको मैं एक गीले कपड़े से, हल्का गीला कपड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और उसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं चलती हूँ अपने मसाले की ओर। तो मसाले में मैं यहाँ पे मैंने 1/2 कप मटर फुला के रखा था रात भर, वो ली हूँ। और 3 मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की आलू ले रही हूँ। इसमें नमक और हल्दी डालूंगी और 1 पिंच, एक चुटकी सोडा डालूंगी, ताकि अच्छे से ये जो मटर है वो पक जाए, मैश होने लायक हो जाए। उतना हमें पकाना है, तो वो मैं डाल करके इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी, ताकि अच्छे से पक जाए, गल जाए, क्योंकि हमें तो गला हुआ चाहिए पानी पूरी में। जब तक गला हुआ आलू का मसाला ना होना, मज़ा नहीं आता। तो ये मैं गैस पर चढ़ा दे रही हूँ और चलते हैं अब पानी का तैयारी करने। तो पानी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 ग्राम इमली लिया था, उसको गर्म पानी में सोख करके रख दिया। तब तक इधर पुदीना साफ़ कर ले रही हूँ, पुदीना निकाल लूँगी। फिर यहाँ पे मैं एक एक करके पुदीने के पत्ते को निकाल रही हूँ। और ये मैंने जार में सारे पुदीने को डाल दिया। ये टोटल मेरा पड़ा था अराउंड 2 टेबल स्पून, और मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया, मतलब 2 टेबल स्पून पुदीना और 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया, और थोड़ा सा क्या बोलते उसको, अदरक लिया था, मिर्च लिया था, स्वाद अनुसार नमक लिया था। फिर मैंने इसमें पानी पूरी मसाला बना के डाला था, और इसमें मैंने गुड़ डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आइस क्यूब का यूज़ किया था, ताकि कलर मेंटेन रहे मेरा ग्रीन कलर। तो मैंने यहाँ पे सारा छान ले रही हूँ। मेरा पिस करके पेस्ट तैयार हो गया था, तो मतलब समझिए आप मेरी आधा पानी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको छान लिया। तो इस तरीके से हम छान लेंगे पानी को, ताकि जो भी इसमें जो एक्स्ट्रा रह गया हो, जो पूरा ना पिसा हो, वो निकल जाए इजीली। इसलिए इसको छान लें, क्योंकि मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया, ये देखिए मैंने छान लिया है। अब चलते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है तो हमें तो पतला करना होगा। तो इसमें मैं अराउंड 2 ग्लास के अराउंड मैं और पानी ऐड करूँगी, ताकि ये हमारे सबके खाने लायक हो जाए। हम लोग बहुत लोग हैं खाने के लिए, हमारा पसंद का चीज़ तो सारे लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास वाटर और ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ना नमक टेस्ट किया था, थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ किया, क्योंकि पीसते वक्त मैंने ब्लैक सॉल्ट यूज़ नहीं किया था। और ये देखिए मेरी मटर और आलू भी रेडी हो गए हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। तो इसको भी मैंने इसमें निकाल लिया है, मुझे जितनी चाहिए मैंने उतना ही निकाला है। सारे का हम यूज़ नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है हमें उतना ही मसाला बनाएंगे, बाकी चीज़ों के मैं कुछ और बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सब ऐड कर रही हूँ। पर जब मैं ऐड कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे सारा ही चाहिए, क्योंकि कम लग रहा था मुझे। कुकर में तो ज़्यादा दिख रहा था, बट ऐसे कम लग रहा था। तो फिर मैंने इसको ऐसे मैशर की मदद से मैंने मैश कर लिया है। अब इसको साइड में रखते हैं, तब तक मैं देखती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए और ये थोड़ी सी सूजी फूल भी गई है, आप देख सकते हैं। मैंने जो
डो रखा था वो थोड़ी सी फूली हुई लग रही थी, इसको हाथों की मदद से मैं मिक्स करूँगी, ज़्यादा इसको मैश ना करें, बस उतना ही कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाए, इसलिए आप थोड़ा सा हाथों की मदद से मैंने मैश किया है। और ये छोटी छोटी सी लोइयां मैं तोड़ रही हूँ, ये छोटी लोइयां इसलिए तोड़ रही हूँ ताकि आप ईजली इसको बेल सके। तो कुछ मैं ऐसे की हूँ और कुछ मैं बड़ी बड़ी सी पराठे बनाकर उसको कट कर लिया है, तो वैसे भी बनाया है तो आपको दिखा रही हूँ मैं, जो मैंने बड़े से पराठे बना के कट किए हैं ना वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरीके से एक बड़ा सा पराठा बेल लूँगी, क्योंकि पराठा बेलने से क्या फ़ायदा होगा ना कि आपकी सारी पूरियाँ एक साइज़ की बनेंगी, जो भी मोटी पतली आपको जो लगती हो सब बराबर साइज़ में आएंगे। और क्या होता है कि इसमें आपको ये परेशानी नहीं कि कुछ पतला बेल गया कुछ मोटा बेल गया, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने बड़े बड़े पराठे बना करके इसको कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक मीडियम साइज़ का ढक्कन ताकि उससे हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेल लिया है अच्छे से, और ये काफ़ी पतला बेला है मैंने, बट उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये जो कट करने के बाद जो गोल गोल आए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा मैंने बेला है, क्योंकि वो थोड़े से मुझे कट करते वक्त ना इसके एजेस थोड़े से मोटे लग रहे थे, तो ये तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा और पतला कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी पूरियाँ तैयार कर ली है इस तरीके से, और फिर इसको मैं तलने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको तल रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरी ननद आई हैं, वो मेरी मदद कर रही हैं, तो वही तल रही हूँ और मैं बेलने में लगी हुई थी, क्योंकि ये ननद भाभी जो हम हैं हमें ना पानी पूरी बहुत पसंद है, तो हम इसलिए जब भी वो आती हैं मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी पूरी ऐसी नहीं है जो नहीं फूली, आराम से फूल रही है। हाँ, पूरे बनने पे मैं बता सकती हूँ कि हाँ मेरी अराउंड 10 से 20 पूरियाँ नहीं फूली थी, मैंने 80 पूरियाँ बनाई थी और 10 से 20 नहीं फूली थी, बाकी सारे फूल गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तल लिया है। हाँ, मेरे साइजेस कुछ छोटे कुछ बड़े हो गए हैं, क्योंकि वो हमने शुरू में पहले छोटी छोटी लोइयाँ बनाई थी उसको बेला था, और बाद में मैंने फिर सोचा कि नहीं ये एक साइज़ की करनी है तो पराठे बना के करनी है, इसलिए थोड़ी सी कोई छोटी है कोई बड़ी है, बट डजेंट मैटर, जाना तो हमारे पेट में ही है कुछ छोटी हो या बड़ी हो। अच्छा, जिन जिन को पानी पूरी पसंद है प्लीज़ कमेंट में अपने लिखें कि हाँ के कौन कहाँ से ये देख रहा वीडियो, और उनको पानी पूरी की रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ घर में ट्राई करें। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमारी पूरियाँ रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। एक काफ़ी खिले खिले से पूरियाँ बनी है, भले छोटी है बट खिली खिली बनी है। तो अगर इस रेसिपी को बनाएंगे इस तरीके से ना तो पूरियाँ आपकी खिली खिली बनेंगी, और वो ऐसी नहीं है कि हाँ बाद में वो पिचक जाए, वो ऐसी ही करारे करारे रहेगी जैसे आप मार्केट का खाते हैं। हाँ, आई कॉन्ट टेक गारंटी कि सारी फूली रहे, वो बेलने पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बेल रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए मसाले बना लें। तो मैंने ऑलरेडी इसमें नमक हल्दी डाल रखा था, तो इस पे मैंने थोड़ा सा पानी पूरी मसाला डाला, धनिया डाला है, और यहाँ पे मैं थोड़े से पानी यूज़ कर रही हूँ जो हमने पानी बनाया था, ताकि थोड़ा सा गीला गीला सा रहे, अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा खट्टा खट्टा, तो मैंने वो ऐड किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें अनियन और हरी मिर्च भी डालूंगी। तो ये हमारा पानी पूरी अच्छे से रेडी हो गया है, पूरियाँ भी तल गई हैं, मसाला भी रेडी है, पानी भी रेडी है, अब देर किस बात की। तो चलिए चलते हैं खाने के तरफ। तो पहले मैं इधर मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ और हरी मिर्चें डाली हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये भी अच्छे से मिक्स हो गया,
और आपको मैं दिखा दूँ अपनी पूरियाँ, जो खिली खिली पूरियाँ हैं उन्हीं को मैंने लेके दिखाया है। देखो कितनी अच्छी सी बन के आई है, ये बहुत ही अच्छे हैं करारे। देखो आपको कितने अच्छे से ये फूट गया और बहुत ही करारे है। तो मैं इसमें मसाला डालूँगी और आपको खा के दिखाऊँगी कितनी यम्मी बनी है। ओहो मज़ा आ गया। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और मज़ा करें। देखिए आप मेरे घर में देख सकते हैं, छोटे हो या बड़े हो सारे लोग मिलके खा रहे हैं। ये देखिए ओह मज़ा।